परमेश्वर के लोगों सबको जेम्स की एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे ऊपर स्ताव आया था दिन के हमने अपनी ही जमीन पर चर्च बनाई थी और जिला प्रशासन श्री गंगानगर जो उसका विरोध कर रहा था, तब हम लोग यहां से 3 बस भरकर मुख्यमंत्री के निवास के पास पहुंच गए थे ज्ञापन देने के लिए मांग पत्र लेकर। वहां पर जो यहां से 500 किलोमीटर दूर जयपुर है वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो आदमी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और फिर 15 लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए और पुलिस स्टेशन में 15 लोगों को ऊपर केस दर्ज कर दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर बहुत मारा और पीटा, औरतों को भी पीटा और उनको भी पीटा, आदमियों को भी पीटा, बुरी तरह से पीटा और उल्टा केस कर दिया, उसमें धारा लगा दी, आईपीसी की धारा लगा दी 143, 188, 283, 332, 353 भी पुलिस को मारा है। हम तो ज्ञापन देने गए थे, हमको पुलिस से झगड़ा करने थोड़ा गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तो पुलिस स्टेशन जाकर बहुत बुरी तरह से पीटा और उल्टा केस कर दिया और उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हमारे ऊपर आपने केस किया और तो हम आपके ऊपर कोई और केस बना देंगे, ये वो काफी कुछ, बहुत कुछ हुआ। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा, ये बात आप जानते हैं। अभी हम लोग यहां से 500 किलोमीटर दूर जयपुर में त्रिक पे जाते हैं, उस समय बहुत से लोगों ने हमें फोन किए, सबका नाम लेना लगूंगा तो समय लगेगा, परमेश्वर उन सबको आशीष दे, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं, सेवकियां, उन्होंने सबको फोन किया मुझे और मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूं वो है, एक तो एडीएफ इंडिया, एडीएफ इंडिया इसलिए बनी है कि जहां भी कहीं स्ताव हो, मसीह लोगों पर स्ताव हो, वहां ये जाकर उनकी सपोर्ट करें, मदद करें और वहां पर जो कोर्ट में वकील हैं उनको फीस दें और वकीलों को खड़ा करें उनकी मदद के लिए। लेकिन एडीएफ ने, एडीएफ इंडिया ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। और एक है लाइफ फाउंडेशन, वो भी यही काम करते हैं, कहीं भी स्ताव हो, कहते हैं कि कहीं स्ताव होगा तो हम वहां पर उनकी मदद करेंगे, कानूनी सहायता देंगे, लेकिन लाइफ फाउंडेशन ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। किसी भी वकील ने, उन्होंने किसी को भी वकील को हायर नहीं करके दिया, कोई भी सपोर्ट, किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। और तीसरा, इंडिया ऑपरेशन, इंडिया ऑपरेशन है, उन्होंने तो हद ही कर दी। इंडिया ऑपरेशन का जो इंडिया का मैनेजर है उसको मेरी बेटी जो एडवोकेट है उसने फोन किया और उसको घटना बताई कि ऐसे हमारे ऊपर सताव हुआ है, हम तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए थे, उल्टा लाठीचार्ज हुआ और पुलिस स्टेशन में केस भी किया और मारा पीटा भी। उसने पूरी बात नहीं सुनी और आधी बात सुनकर, इतनी बात सुनकर फोन काट दिया। आज मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, ये जो संस्थाएं हैं ना, ये चर्चों से पैसा इकट्ठा करते हैं, इंडिया से पैसा इकट्ठा करते हैं कि कहीं भी सताव होगा, मसीह लोगों पे सताव आएगा, हम लोग वकील खड़ा करेंगे, हम लोग उनकी मदद करेंगे, हम लोग उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जब मेरे जैसा एक सेवक को ये मेरे साथ नहीं खड़े हुए, तो आम जो सेवक हैं बेचारे गांव में, जा कोई आम सेवक हैं जिनकी आवाज इन तक पहुंचती नहीं है, उनकी ये क्या मदद करेंगे। इंडिया से नहीं, विदेशों से, बाहर के देशों से फंड इकट्ठा करते हैं, विदेशों से फंड इसलिए इकट्ठा करते हैं कि यहां पर इंडिया में बड़ा सताव हो रहा है, मसीह लोगों को तंग किया जा रहा है, वहां हम लोग उनकी मदद करते हैं, वकील खड़े कराएंगे, कानूनी सहायता देंगे। हवाई जहाजों में, इंडिया के अंदर भी हवाई जहाजों में घूमना, बड़े बड़े होटलों में रहना, रुकना, वहां पर पैसा खर्च हो रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इन लोगों ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की।
और अगर आपके मन में किसी के मन में यह हो कि हमारे प्रस्ताव आएगा, ये चर्चों में जाकर बोलते हैं, बड़े बड़े पास्टर मीटिंगों में बोलते हैं, कहीं भी स्टाफ हो हमें बताइएगा, हम मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को बताने के बावजूद भी एडीएफ इंडिया, लाइफ फाउंडेशन और इंडिया ऑपरेशन का जो इंडिया का मैनेजर है, ये लोगों ने कोई मदद नहीं की। जब मेरे जैसे की कोई मदद नहीं की, तो इसका मतलब जो पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो विदेशों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं फिर? वो वहां तो कह रहे हैं हाई इंडिया में अत्याचार हो रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, और एक तरफ इस कारण से जो बाहर के देशों में मसीह लोग हैं वो इनकी सपोर्ट करते हैं, बाहर की संस्थाएं इनको पैसा भेजती हैं, और ये क्या कर रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मैं आरोप लगा रहा हूं कि ये उसका दुरुपयोग करते हैं, और मैं मांग भी करता हूं ऐसी संस्थाएं जो हैं इनकी जांच होनी चाहिए कि पैसा इनके पास जो आ रहा है, क्या वो जो आ रहा है वहां पर जहां सताव हो रहा है वहां पर लग रहा है या नहीं लग रहा, तब ये सीधे होंगे। तब ये कहीं भी किसी पास्टर के पे अत्याचार होगा तो उसको कानूनी सहायता देंगे, उसकी मदद करेंगे। जब मेरे जैसे सेवक की ये बात इन्होंने नहीं सुनी तो आम की कैसे सुनते होंगे? हमें इससे कोई नहीं है, अगर ये किसी की मदद नहीं करते तो जो नहीं मदद करना चाहिए ना करे, लेकिन ये दूसरे लोगों से फंड किसी बात का ले रहे हैं, इस बात का ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इस बात का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब इसलिए ही कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि वहां सताव हो रहा है, हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हकीकत ये है, सो मेरे ये सब आरोप हैं, जब जांच होगी तब पता चलेगा ये आरोप कितने सत्य हैं, क्या है। सो परमेश्वर आपको आशीष करें।